सिर्फ राजकोट ही नहीं, लापरवाही के लपटों ने दिल्ली को भी झुलसा दिया। विवेक विहार से भी आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसको देखकर किसी का भी दिल सहम जाएगा। दिल्ली के विवेक विहार में एक बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 बच्चों का इलाज चल रहा है। कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हुआ है कि बेबी केयर सेंटर में रात करीब 11:30 बजे आग लगी। बेबी केयर सेंटर में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर रखे हुए कई ऑक्सीजन के सिलेंडर फट गए। वहीं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एक वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद चश्मदीद के मुताबिक जिस बिल्डिंग में बेबी केयर सेंटर चल रहा था उसके नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे और बताया जा रहा है कि वही सिलेंडर्स की रिफिलिंग भी होती है। अब घायल बच्चों को इलाज ईस्ट दिल्ली एडवांस केयर हॉस्पिटल में चल रहा है। परिवार वालों को अपने बच्चों की पहचान करने में परेशानी आ रही है। परिवार वाले बच्चों की तस्वीर के जरिए पहचान करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। परिजन कई घंटों से अस्पताल के बाहर खड़े हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बच्चा सेफ है या फिर नहीं। दिल्ली के विवेक विहार में जो हादसा हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। टेक ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह देर रात नवजात बच्चों की आग से झुलस गई। विवेक विहार में एक अस्पताल की इमारत है और दाहिनी ओर एक आवासीय इमारत है जिसकी 2 मंजिलों में भी आग लग गई थी। ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले। भाई हट जाओ पीछे, भाई बाइक ले लो अपनी, भाई साहब निकल लो यहाँ से। अरे ले वो फरमान, वो लंबे वाला अंदर में देखता हूँ, 5-6 रखे। हट जाओ भाई, तारों से हट जाओ, निकल लो। ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले। बहुत है। भाई हट जाओ पीछे, भाई बाइक ले लो अपनी, भाई साहब निकल लो यहाँ से। अरे ले वो फरमान, भाई ओ भाई साहब पीछे हो जाओ, अभी और सिलेंडर है, मैं 5-7 है। हादसा कितना भयानक है ये आप इसी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सिलेंडर के फटने से धमाके की आवाज सुनाई देने लगी। दरअसल रात में करीब 11:30 बजे चाइल्ड केयर सेंटर में आग लगी, जिसके बाद केयर सेंटर का स्टाफ, आसपास के लोग बच्चों को बचाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बच्चे हो गए, और भी हैं। कितने हैं? देख रहे हैं जी? अरे आ गया, रुको भैया, वो गर्दन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चोट उसमें आराम से, कोई नहीं, थोड़ा सा मुंह बटा लगा के, मुंह पर रुमाल बांध लो, रुमाल या तो इधर, और कोई बच्चा बता है, आराम से लेके चलो। अरे वो क्या लड़का ऊपर वाला था, भाई बच्चे और हैं क्या? मुझे ऊपर लड़के बच्चे हैं क्या? लोग हैं नीचे, बच्चे नीचे तो कमरे में दिखे नहीं, कोई भी बच्चा नीचे मेरा बच्चा दिल्ली के विवेक विहार में कल रात 11:30 बजे न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में भयानक आग लग गई। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन मौके पर रात को 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती है और स्थानीय लोगों की मदद के साथ रेस्क्यू करना शुरू करती हैं। जब आग लगी थी हॉस्पिटल में तब उस वक्त 12 नवजात बच्चे हॉस्पिटल में फंसे हुए थे, जिनको रेस्क्यू करना शुरू किया फायर ब्रिगेड की टीम ने। 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां 6 बच्चों की जान चली गई, नहीं बचा पाया गया उनको, लेकिन बाकी के जो 6 बच्चे हैं उनका इलाज नज़दीकी अस्पताल में किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर कई सिलेंडर्स आपको नजर आएंगे और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर इलीगल यानी अवैध तरीके से गैस फिलिंग का काम किया जाता है। पिछले कई सालों से स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई पुलिस की तरफ से इस मामले में नहीं की गई है।